नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल CNC गुरु महेंद्र वर्मा में। तो दोस्तों, मैं महेंद्र वर्मा आज आपके लिए बहुत ही खास वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको CNC मशीन के जो जी कोड कमांड होती है उनके बारे में बताऊँगा। तो दोस्तों, जो जी कोड कमांड होती है वो टूल फंक्शन कमांड होती है, टूल को कंट्रोल करने के लिए। तो CNC मशीन की जो आज की ये जो जी कोड की वीडियो है वो आप लोग लास्ट तक देखें, बिल्कुल ध्यान से देखें, और आज की इस वीडियो से आपको जी कोड के बारे में पता चल जाएगा। तो दोस्तों, मैंने पहले भी कई वीडियो बनाए हैं, उनको भी आप देखिए, जिसमें मैंने एम कोड ऑफ़ CNC मशीन एंड एड्रेस कोड ऑफ़ CNC मशीन की भी मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ, तो उनको भी आप रीड कर लीजिए, उस क्लास को भी आप देख लीजिए। क्योंकि एम कोड कमांड और जी कोड कमांड और एड्रेस कोड कमांड के बिना जो हमारा जो प्रोग्राम है वो कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, देखते रहिए, और अभी हम स्टार्ट करते हैं जी कोड ऑफ CNC मशीन के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो सबसे पहला जो जी कोड होता है वो होता है आपका G0। तो G0 या G00 एक ही मतलब है दोस्तों इसका। तो G00 जो कोड होता है उसका मतलब होता है टूल को रैपिड पोजिशनिंग करवाना। मतलब आपका जो टूल होता है इस G00 कमांड के अंदर जॉब पे वर्किंग नहीं करता है, ओनली फॉर फ्रीली मूवमेंट करता है। जैसे होम पोजीशन से या तो जॉब के नज़दीक आना, या वर्किंग करने के बाद में वापस होम पोजीशन पे भी जाना, जो फ्रीली मूवमेंट का वर्किंग होता है इसी जी कोड के अंदर होता है दोस्तों। तो उसके बाद में दोस्तों जी कोड आता है हमारा G01। तो G01 कोड का मतलब होता है दोस्तों लीनियर इंटरपोलेशन फीड। मतलब आपका जो टूल है वो एक स्ट्रेट लाइन की तरह वर्किंग करेगा, और जिसमें आपका जो टूल है वो जॉब के ऊपर वर्किंग करना स्टार्ट कर देगा। जब भी टूल आपका वर्किंग करना स्टार्ट कर देगा जॉब के ऊपर, तो टूल आपका फीड में आ जाता है। तो टूल आपका जो है वो फीड में वर्किंग करेगा और लाइनर में वर्किंग करेगा, लीनियर में वर्किंग करेगा। उसके बाद में दोस्तों आपका कोड आता है G02। इसका मतलब होता है दोस्तों सर्कुलर इंटरपोलेशन 8 क्लॉकवाइज। इसका मतलब सर्कुलर इंटरपोलेशन 8 क्लॉकवाइज का मतलब ये होता है कि आपने जॉब में अगर क्लॉकवाइज रेडियस को लगाना है तो आप क्लॉकवाइज रेडियस लगाने के लिए G02 कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों कोड आ रहा है हमारा G03। इसका मतलब होता है सर्कुलर इंटरपोलेशन 8 काउंटर क्लॉकवाइज। CCW का मतलब है दोस्तों काउंटर क्लॉकवाइज, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप जॉब के अंदर एंटी क्लॉकवाइज रेडियस लगाना चाहते हैं तो आप CCW के लिए आप G03 का जो है वो कोड लगा करके और काउंटर क्लॉकवाइज रेडियस उसमें लगा सकते हैं। और दोस्तों अगला जो कोड आ रहा है वो दोस्तों आ रहा है हमारा G04। तो G04 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ड्वेल टाइम। जैसे कि इस कोड का यूज़ हम वहाँ करते हैं, जैसे ड्रिल करना है, ड्रिलिंग करने के लिए हम लोगों को कुछ एक समय के लिए अगर हम लोग टूल को रोकना चाहते हैं जॉब के अंदर, और जैसे ग्रूविंग में भी ये यूज़ होता है, तो G04 का जो कोड है हम टूल को रोकने के लिए लगा सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों आता है G20 का कोड। G20 का जो कोड है दोस्तों उसका उपयोग हम लोग इंच के अंदर प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब होता है इंच डेटा इनपुट। अगर हम कोई प्रोग्राम इंच के अंदर बनाना चाहते हैं तो हमें G20 का जो कोड है वो यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों जो कोड आता है वो हमारा G21। G21 कोड का मतलब होता है दोस्तों MM डाटा इनपुट। मतलब आप जो भी प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं वो आप पूरी की पूरी प्रोग्रामिंग जो है वो MM में बना सकते हैं। इसके लिए आपको G21 कोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो दोस्तों आगे जो है वो कोड आता है हमारा G28। G28 कोड का मतलब होता है रिटर्न टू होम पोजिशन। रिटर्न टू होम पोजिशन का मतलब ये होता है दोस्तों कि आपका टूल वर्किंग करने के बाद में वापस उसको होम पोजीशन पे पहुंचाना। तो ये जो G20 का कोड है ये टूल को होम पोजीशन पर पहुंचाने का जो है कार्य करता है। उसके बाद में दोस्तों G32 कोड का इस्तेमाल हम लोग वहाँ करते हैं जहाँ हमें थ्रेड की जरूरत पड़ती है। हम लोग थ्रेड काट सकते हैं G32 कोड लगा के। उसके बाद में दोस्तों G40 टूल का जो मतलब है वो टूल नोज रेडियस कंपनसेशन कैंसिल। इसका मतलब ये होता है कि आपके टूल की कंपनसेशन को कैंसिल करना। मतलब आपका जो टूल है उसकी नोज रेडियस को कैंसिल करने के लिए G40 का कोड का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। G41 टूल नोज रेडियस लेफ्ट टू राइट। अगर आप दोस्तों लेफ्ट
से राइट की ओर वर्किंग कर रहे हैं तो दोस्तों आपको उसके लिए G41 का जो कोड है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके बाद में दोस्तों कोड आता है हमारा G42। G42 का मतलब होता है टू नोज रेडियस राइट टू लेफ्ट। अगर आप किसी जॉब के अंदर राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर वर्किंग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो आपको जो कोड लगाना पड़ेगा वो G42 का लगाना पड़ेगा। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं हम अगले कोड की, तो G50। G50 कोड का मतलब होता है जो दोस्तों मैक्सिमम स्पिंडल RPM। मैक्सिमम स्पिंडल RPM CNC मशीन के अंदर लगाने के लिए आपको G50 कोड का इस्तेमाल जो है वो करना पड़ेगा। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट कोड मैंने यहाँ पे दे रखे हैं। जो कोड आता है आपका अगला कोड जो है वो G54 से लेकर के और G59 तक के जो कोड होते हैं CNC मशीन में, वो दोस्तों वर्क ऑफसेट को सेट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, G54 से लेकर के और G59 तक। उसके बाद में दोस्तों अगला जो कोड आ रहा है वो हमारा है G70। G70 कोड का मतलब होता है दोस्तों फिनिशिंग साइकिल, कि आपका कोई भी रफली मटेरियल काटने के बाद में अगर आप जो कट लगाना चाहते हैं फिनिशिंग का, तो आप G70 प्रोग्राम में, G70 कोड में लगा सकते हैं ये कोड। दोस्तों G70 कोड से लेकर के और G76 तक जो कोड होते हैं वो कैनेड साइकिल के जो कोड होते हैं। तो उसके बाद में कोड जो आ रहा है आपका G71 स्ट्रोक रिमूवल ODID। अगर आपके पास में कुछ ज़्यादा स्ट्रोक है उसके ऊपर से आपने ओडी से मटेरियल को रिमूव करना चाहते हैं या आईडी में से मटेरियल को रिमूव करना चाहते हैं, तो आप स्ट्रोक रिमूवल ODID का कोड लगा करके बहुत सारा जो मटेरियल है उसको रिमूव करवा सकते हैं। G71 का कोड इसमें लगता है दोस्तों। उसके बाद में बात करते हैं G72। अगर आपको फेसिंग से मटेरियल को रिमूव करवाना है, ज़्यादा फेसिंग से मटेरियल को रिमूव करवाना है, तो आप G72 कोड लगा के, इसका मतलब यह है स्ट्रोक रिमूवल फेसिंग। उसके बाद में दोस्तों आपका कोड आता है G73। G73 कोड का मतलब होता है पैटर्न रिपीटिंग साइकिल। पैटर्न का मतलब ये होता है दोस्तों कि आपकी जैसी जॉब है उसी पैटर्न के आधार पर आपका जो टूल है वो वर्किंग करेगा। ओके दोस्तों, उसके बाद में आपका G74 कोड का मतलब होता है पैक ड्रिल। तो पैक ड्रिल का जो कोड होता है दोस्तों वो ड्रिलिंग करने के लिए, साइकिल ड्रिलिंग प्रोग्राम होता है दोस्तों ये, तो हम पैक ड्रिल का इस्तेमाल कर सकते हैं G74 में। उसके बाद में दोस्तों कोड आता है हमारा G75। G75 कोड का मतलब होता है दोस्तों ग्रूविंग साइकिल। ग्रूविंग साइकिल का प्रयोग हम लोग साइकिल ग्रूविंग में कर सकते हैं। एक बार में ही एक ही जॉब के अंदर 4-5 ग्रूव हमें लगाने हो तो साइकिल ग्रूविंग प्रोग्राम लगा करके हम लोग कंप्लीट इसको कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों कोड आता है हमारा G76। G76 कोड का जो इस्तेमाल है दोस्तों हम लोग मल्टी थ्रेडिंग के लिए कर सकते हैं, कि कई प्रकार की अगर हमें थ्रेडिंग लगानी है तो हम लोग मल्टी थ्रेडिंग का प्रोग्राम लगा करके G76 में उसका हम लोग थ्रेडिंग काट सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों CNC मशीन में दो प्रकार की प्रोग्रामिंग होती है। जो पहली प्रोग्रामिंग होती है G90, इसका मतलब होता है दोस्तों एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग। अगर आप अपनी CNC मशीन के अंदर एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग को के अंदर प्रोग्राम को बनाना चाहते हैं तो आप G90 कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आगे जो कोड आ रहा है दोस्तों G91 इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग, मतलब अगर आप अपनी मशीन के अंदर इंक्रीमेंटल में प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं तो आप G91 कोड का इस्तेमाल करके इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग को कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों आता है आपका G92। G92 कोड के अंदर दोस्तों आप थ्रेडिंग साइकिल लगा सकते हैं, मतलब थ्रेड को काट सकते हैं, साइकिल प्रोग्राम होता है G92 का। उसके बाद में दोस्तों G94 में आप साइकिल प्रोग्रामिंग करके फेसिंग कर सकते हैं दोस्तों। किसी भी पार्ट की आपने अगर फेसिंग करनी है तो साइकिल प्रोग्राम बना सकते हैं G94 में। उसके बाद दोस्तों कटिंग स्पीड के लिए दोस्तों हम लोग G96 का इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब होता है मिनिमम कटिंग स्पीड। और उसके बाद में दोस्तों हम लोग बात करते हैं G97, मतलब दोस्तों G97 कोड जो होता है वो फिक्स RPM के लिए यूज़ किया जाता है। फिक्स RPM अगर आप CNC मशीन में लगाना चाहते हैं तो आपको जो कोड का इस्तेमाल करना है वो G97 आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों जो कोड आ रहा है वो G98, इसका मतलब है फीड MM पर मिनट। दोस्तों CNC मशीन में दो प्रकार की फीड यूज़ कर सकते हैं, एक होता है दोस्तों आपका MM पर मिनट और दूसरी जो फीड लगती है दोस्तों MM पर रिवोल्यूशन। तो जो अगर आप MM पर मिनट फीड यूज़ करना चाहते हैं तो आपको कोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा G98। और अगर आपको दोस्तों फीड इस्तेमाल करनी है आपको MM पर रिवोल्यूशन, तो आपको G99 का प्रयोग करना पड़ेगा। तो इसका मतलब होता है फीड MM पर रिवोल्यूशन, और G98 का जो कोड होता है उसका मतलब होता है फीड MM पर मिनट। तो दोस्तों ये है CNC मशीन के
जी कोड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जी कोड होते हैं। इनके बिना जो हमारी सीएनसी मशीन की जो प्रोग्रामिंग है दोस्तों वो कंप्लीट नहीं हो पाती है। तो ये जो सीएनसी मशीन के जितने भी कोड्स हैं इनको बड़े ध्यान से आपने देखना है, और आप मेरी वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे साथी जिन्होंने अभी तक मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करते रहें, ताकि आपके एक शेयर से किसी का भला हो सकता है, वो भी सीएनसी मशीन के बारे में, जी कोड के बारे में सीख सकता है। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, नमस्कार।